should be distance between lens. D है ये. F1 is equal to 20 centimeter or F2 is equal to 10 centimeter. 10 centimeter. What should be separation D? D. So that final image is formed at infinity. So that final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. इस लेंस के बाद फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म है. सर एफ इक्विवेलेंट एफ टू के इक्वल कर देंगे. सर 25 सेंटीमीटर. सर 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर कैसे? बे यहां से पैरेलल ना 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 सर ना सर. हां सर ये करना पड़ेगा. ये बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, करना तो पड़ेगा. ठीक है, यहां से फाइनल अच्छा ये वाला एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो? ये जो ईएसटी वाला एग्जाम है उसमें क्या है, क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ एआईटीएस है क्या है? हाँ सर एआईटीएस है. कब है? 23 एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 से. अच्छा ठीक है, सुनो वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, जो हाफ ईयरली का जो पेपर है वो वाला पेपर है. तो उस पेपर को उस डेट में नहीं होगा. वो पेपर जब एग्जाम होगा वो पेपर तुमको मिल जाएगा. वो जो है वॉलेंट्री होगा, जो सबमिट करना चाहेंगे. जैसे फिजिक्स में तो मैं ये काम करवाऊंगा, फिजिक्स का जो जो एग्जाम होगा वो पेपर तुमको जाएगा, तुम लिख के ऑनेस्टी से उसको सबमिट कर दोगे, एक सिंगल पीडीएफ बना के मुझे मेल कर दोगे. ठीक है, वो तुम जब भी लिखो. तुम्हारा जब जब वैकेशन होगा, मतलब वो एक असाइनमेंट रहेगा कि वो पेपर उस डेट को नहीं देना है, लेकिन पेपर वही रहेगा. ठीक है, और वो फिर से वॉलेंट्री है, वो अपनी चॉइस के ऊपर है. जो भेजेंगे भेजेंगे, जो नहीं भेजेंगे वो भी फ्री है, कोई प्रेशर नहीं. एंजॉय करो, दुर्गा पूजा एंजॉय करो. ऐसे लग रहा है कि बहुत वो कर रहे हो, तो वैकेशन एंजॉय करो. लेकिन पता है, हमें भी पता है सर, 23 को तुम्हारा AITS है. ठीक है, 24 से पेपर स्टार्ट है, चलो वो भी है एक्सेप्टेड. लेकिन वो पेपर तुम्हारे पास जाएगा, तुम अपने हिसाब से सेल्फ एथिक्स को मेंटेन रखते हुए तुम उसको टाइम बाउंड मैनर में तुम पढ़ लो. दो दिन चार दिन एक दिन रिवाइज कर लो. थोड़ा बहुत अगर भाई ऐसा लग रहा है कि भूल ही गया हूँ बिल्कुल, या थोड़ा बहुत है, तो तुम बोर्ड में जैसे आंसर लिखोगे वैसे लिखो ना यार. प्रॉब्लम ये है ना कि सारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है अभी, सब स्कूल में, और सारे बच्चे दे रहे हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो, चाहे एलएन के इंटीग्रेटेड हो, फिटजी के इंटीग्रेटेड हो, कहीं के इंटीग्रेटेड हो. हाँ ठीक है, उनका अपना है इंस्टीट्यूट, तो वो अपना सर एंजॉय दोस्तों के साथ होता है. अरे एंजॉय तो दोस्तों के साथ होता है, हम तो बस यूं ही. ठीक है, दोस्त घूम लेना. ऐसे कौन सा कि तुम बहुत मास्क पहन के और वो शील्ड लगा के चल रहे होगे? सब मैं देख रहा हूँ, किसी को कोई डर नहीं है सर. आवाज नहीं आ रही. तो उसमें क्या है कि उसमें सभी लोग बोर्ड का पेपर दे ही रहे हैं, तो वो जो पेपर है वो जिसको भी देना है, जितने भी हैं अभी जो जा चुके हैं गए, ठीक है वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, जो नहीं जो है वो क्वेश्चन पेपर फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, फिजिक्स में वो क्वेश्चन पेपर तुमको दे दूंगा, उसको लिख के मुझे सबमिट करना है. ठीक है,
ठीक है, अपने हिसाब से जैसे सर बोर्ड, कैसे भेजेंगे, टेलीग्राम में की टेलीग्राम में सेंड कर देना मेल? एक सिंगल पीडीएफ बना के, ये नहीं कि 10-15 फोटो भेज रहे हो सबका अपना, तो हाँ। ये वो जो है एक आंसर लिख के अपने कॉपी में आंसर लिख के वो भेज देना, वो जिसको करना होगा करेगा। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब भी तुम असाइनमेंट लिखोगे, सब्जेक्टिव लिखोगे तुम्हें कष्ट उतना ही होगा। अब अचानक से अगर दिसंबर में लिखना पड़ेगा फिर क्या करोगे, फिर जो है सहोदय होने लगेगा, तो तुम एक बार थोड़ा सा रिहर्सल टाइप का कुछ होगा नहीं, अचानक से मेन एग्जाम लिखना पड़ेगा, फिर नंबर कम आएगा तो कहोगे कि ये बोर्ड में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे हो रहा है। बोर्ड में कुछ ध्यान नहीं देना है, तुमको ध्यान देना है कि बस उसका जो जो एक्सप्लेनेशन दिमाग में है, जैसे यहाँ पे हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो बस सब्जेक्टिव में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से थोड़ा सा, कि डायग्राम हो लॉज ऑफ, तो कॉम्प्रिहेंशन आ गया जिसको, कि कॉम्प्रिहेंशन है, असर्शन रीजनिंग है, वो सारा कुछ। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन तो और आसान है, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लोज है, वो तो और ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सोचो जो सिर्फ डेराइव बायोट सावर्ट लॉ, व्हाट इज बायोट सावर्ट लॉ ऑन डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट वायर। अब अगर क्वेश्चन उतना स्ट्रेट नहीं रहा फिर क्या होगा, फिर कुछ कहानी लिख दिया गया, तो कॉम्प्रिहेंशन तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने की आदत है। अब तो जो तुम लोग क्वेश्चन पैटर्न से जो फेमिलियर है उनको पता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पहले से ये सब चल रहा है, तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करनी है। AITS है इसलिए उसको मत दो, उस डेट पे मत दो, हाँ, लेकिन वो पेपर तुम्हारे पास जाएगा, उसको लिख के सबमिट कर सकते हो जो चाहते हैं। थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो रिहर्सल के लिए अच्छा रहेगा, और उसको बोर्ड टाइप से दो, ऐसा नहीं कि मतलब उसको टाल दिए। अरे बोर्ड के लिए जैसे मान लो तुम PD इंग्लिश की क्लास वाला छोड़ दे रहे हो, मान लो भाई PD की क्लास या इंग्लिश की क्लास कितनी चलेगी, जो क्लास है उसी क्लास में तुम तो नहीं पा रहे हो ना। आदित्य का ऐसे 95% कुछ की 94% आया था, बट उसका इंग्लिश में 81 या कुछ ऐसे था, और बाकी सबका इंग्लिश में 93 था, मतलब 2-3% का डिफरेंस हो गया, नहीं तो स्कूल टॉपर होता हूं। तो यही है समझे, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज के लिए जो जिस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम कर लो। तुम उसकी क्लास छोड़ देते हो, बाद में नोट्स इकट्ठा करते हो, फिर उसको पढ़ते हो, फिर तुम्हें लगता है क्या है क्या नहीं है। जब जब क्लास चल रही है, वैसे भी 1 घंटे में आधे घंटे की क्लास चलती है, वो आधे घंटे की क्लास में बस वो सुन लो क्या बताया जा रहा है, उतने तक ही PD को, उतने तक ही इंग्लिश को, क्लास तक लिमिटेड रखो ना। आखिर क्लास का टाइम मान लो तुम सो के भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो तो उतना टाइम तो जा ही रहा है ना, आधा एक घंटा, तो वो तुम डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तो ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारे ऐसे ही रेगुलर में ही खत्म हो जाएंगे। और तुम भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चलो अच्छा है, बट परसेंटेज एक है, फाइनली एक चीज है कि एकेडमिकली अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हें कभी ना कभी बेनिफिट मिलेगा ही, उसका परसेंटेज अगर मिल रहा है आसानी से तो उसको क्यों गवाओगे 50% सिलेबस पढ़ के, तो और आसान हो गया। तो ऐसे 100% में भी था, अभी 50% की बात चल रही है, एग्जाम आते आते तक पता चला ऐसा ना हो नाम लिखने पे मिलने लगे आके नाम लिख देना, नाम जो सबसे अच्छे से लिखेगा उसको जो है जिसका सबसे बड़ा नाम हो उसका सबसे तो कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, बेस्ट ऑफ क्या है, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 2, किस चीज का बेस्ट ले लिया जाए तुम्हें पता नहीं है, सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी। तो देखो इसको यहाँ से, फाइनल इमेज इनफिनिटी पे फॉर्म होने का मतलब, ये वर्ड जो की वर्ड है, इमेज फॉर्म्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्स एट 30 होगा सर आंसर। हां तुम बार-बार चेंज सर 30 होगा, चेंज क्यों कर रहे हो? मैं इधर से 20 और इधर से सर ये आप जो सीबीएसई जब बोले तब मुझे माइंड में आया था कि वो म्यू भी कुछ होगा, वो सब डाल ये यहां से फाइनली तो पैरेलल जाएगी। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि फाइनल रेस पैरेलल, जब फाइनल रेस पैरेलल है मतलब ये क्या होगा, ये यहां से ये हो गया, ये हुआ 10, इसके बाद यहां से अगर पैरेलल आ रही है तो ये तो अपने फोकस पे ही जाएगा,
ये तो अपने फोकस पे जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा F2, तो यहाँ से ये 20 F1 के बराबर, तो D is equal to F1 plus F2. अब इसको कैसे लिखोगे, अगर मान लो लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिख लोगे, फॉर L1 U is equal to minus infinity, तो V is equal to जो है वो plus F आ जाएगा, लेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ से V is equal to plus 20. और ऐसे फॉर L2 के लिए हमें फाइनल इमेज नोन है, इन्फिनिटी, फोकल लेंथ नोन है, तो U फाइंड कर लोगे, वहां से U क्या होगा, U is equal to -10 आएगा, -10 आएगा तो सेपरेशन. अगर कभी भी इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल की तरह से बिहेव करना है, मतलब सेपरेशन कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली F1 प्लस F2, एग्जैक्टली जो F1 प्लस F2, D is equal to F1 प्लस F2, हमारे केस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे अगर मान लो कॉनकेव का कॉम्बिनेशन हो गया, मान लो कॉनकेव लेंस हो गई, कॉनकेव लेंस, तो क्या होना चाहिए, तो इसी में साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे. देखो ये जो सेपरेशन है, ये फोकल लेंथ मान लिया मैंने 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है. व्हाट शुड बी सेपरेशन सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हाट इज सेपरेशन, व्हाट इज डी, सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, 30. डी जो है तुम्हें याद रखना है, फाइनल इमेज के लिए F1 प्लस F2 होगा, उसमें साइन के साथ पुट करेंगे, यहाँ पे फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी होगा तो वहां से क्या डिस्टेंस होगी, तो हम L1 L2 मार्क करके इसको कर सकते हैं, बट तुम्हें यहाँ कि भाई फाइनल रेज इंफिनिटी का मतलब ये रेज ऐसे जानी चाहिए, सर ये कन्वर्जिंग होना चाहिए रेज, ये रेज कॉनकेव के लिए पैरेलल होंगी, और यहाँ से ये रेज ऐसी जानी चाहिए, तो ये रेज ऐसी का मतलब क्या हो गया कि ये कन्वर्ज, ये तो डाइवर्ज करेगा ना, और ये कन्वर्ज करेगा, तो अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये ऐसे इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता, 40 पे कन्वर्ज करता, बट ये लेंस आ गया तो ये यहाँ से डाइवर्ज कर देगा ये लेंस. तो पैरेलल का मतलब ये है, यहां से पैरेलल जा रही है, मतलब इसके फोकस पे है, इसके फोकस की तरफ डायरेक्ट, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही रख पाएंगे, मतलब ये रेज जो है ऐसे डायरेक्टेड होगी इसके फोकस की तरफ. ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर. जब इसके कॉनकेव लेंस के फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी तो कन्वर्जिंग जाएगा तो उसको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस है ये, डाइवर्जिंग लेंस है. यस सर, तो ये यस है, समझ पाए, नहीं है तो फाइनल फाइनल रेज में कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का अगर फॉर्मूला अप्लाई करके सोचो क्या होगा, अगर फाइनल रेज को इन पैरेलल ही जाना है, मतलब फोकल लेंथ कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, अल्टरनेट अगर ये चीज है, हमें तो इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/F1 + 1/F2 - D/F1F2. तो अगर फाइनल कॉम्बिनेशन को बिहेव करना है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी गया, मतलब फोकल लेंथ क्या गया, इन्फिनिटी गया, तो ये क्या, 1/F1 + 1/F2 - D/F1F2, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी. अरे ये वाला चीज बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो यहाँ से डी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से D/F1F2 इज इक्वल टू F1 + F2 / F1F2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये D इज इक्वल टू F1 + F2 आ जाएगा, इसमें साइन के साथ वैल्यूज पुट करनी है,
ये कॉनकेव होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, ये होगा वो होगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा। कॉन्वेक्स लेंस होंगे तो ऐड हो जाएंगे और कॉनकेव लेंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। और इनका रे डायग्राम बनाना रहेगा, रे डायग्राम ये हो जाएगा, फाइंड करना रहेगा बस। सर वो इक्विवेलेंट इनफिनिटी क्यों ले फिर से बोल? फाइनल लेंस पर फाइनल रेस पैरेलल जा रही है, मतलब वो कहां कन्वर्ज होंगी? यस सर, इनफिनिटी पे रेस पैरेलल जा रही है, पैरेलल रेस इंसिडेंट हुई और पैरेलल जा रही है, मतलब उनका कन्वर्जेंस कहां पे होगा? इनफिनिटी पे। ठीक है जी सर, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करूँगा। सर ऊपर जो आपने 1/∞ लिखा तो सर वो तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे माने तो। वही पहले तो लेंस से लिखने के लिए बताया ना, ऑब्जेक्ट पहले तो लेंस से लिखने के लिए बताया, पहला वाला तो लेंस के लिए बताया कि L1 L2 एज्यूम करके करना है। अब वही करना है फॉर L1 फॉर L2 लिख देना है, फिर फाइनल कंक्लूड करना है, फिर रे डायग्राम बना देना है, है ना? वो तो वैसे करना है। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से मान लो स्ट्राइक करना है तो वैसे कर सकते हो, ये ऐसे कर देंगे। सर ये तीन लेंगे ना, तो ये 3/2 है, ये 3/2 है और ये 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड 4/3। दूसरा दूसरा जो है वो है, दूसरा हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है कि अगर और एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करना है, सबसे लास्ट में फोटो बना हुआ होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन उसको करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है और फोकल लेंथ फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है और इसका जो है एक दूसरा क्वेश्चन वो करना है। तो तीसरा जो है क्वेश्चन इसको सोचना है, तीसरा अभी अभी हमारे लेंस के केस में ये बचा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ लेंस। ये लेंस है तो अगर इसको मान लो ऐसे कट करते हैं तो इसमें मान लो ये इसको कट कर दिया और यहां से भी कट कर दिया, दोनों है, दोनों है। अगर ऐसे कट किया तो हमारे ये फोर पार्ट्स मिल जाएंगे। ये मान लो फॉर एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हमारे फोर लेंसेज हैं, फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। ये थिन लेंसेज हैं तो ये ऐसे टाइप का बनेगा, तो इनको कंबाइन कर दिया गया ऐसे एक साथ। कैसे कट कर दिया गया फोर पीस में और इनको कंबाइन कर दिया गया, तो फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स में करके करना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और जो ऐड हो जाएगा ना सर, कॉन्टेक्ट है तो फोकल लेंथ ऐड होगा और इंडिविजुअली जो है वो सोच के उसको सॉल्व करना है। और दूसरा ये वैरायटीज मैं लिख दे रहा हूँ जो क्वेश्चन हमें करना था। एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें अपर्चर डायमीटर गिवन है, अपर्चर डायमीटर मतलब उसका सर्कुलर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड से तो ऐसे दिख रहा है। अपर्चर डायमीटर डी गिवन है
स्मॉल डी, ये गिवन है, और इसकी थिकनेस गिवन है टी, डी इज इक्वल टू, मान लेते हैं पहले सिंबल में करना है, सिंबल में, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और टी की वैल्यू है 2 mm. रिफ्रैक्टिव ये ग्लास है म्यू जी 3/2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कि अगर अपर्चर से रिलेटेड कुछ होगा, अपर्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लेंस के थिकनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोचना है. इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, फोकल लेंथ के लिए दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, आरओसी एंड म्यू. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं गिवन है. रेडियस ऑफ कर्वेचर होता तो फिर क्या है, फाइंड कर लेते तुरंत, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं गिवन है तो हम उसको फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर सोच के. तो अगर थिकनेस दिया हुआ है तो क्या होगा, लेंस को कट करेंगे तो क्या होगा, इसमें दोनों टाइप के कटिंग है, ऐसे कटिंग है, ऐसे कटिंग है. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे कट करने के बाद दोनों प्लेन फेसेस एक साथ रखे जाएं या ये रखे जाएं, कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है. दोनों केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. और एक केस ये है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कल, एक आध क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग का. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सर वही सब तीन है ना बाकी, और है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और तो उसके बाद वो तो कवर हो गया ना, तो कवर हो चुका है ना सर. हाँ बोलो सर. हम लोग जब कॉनकेव लेंस का मतलब इमेज